बाद में भी हम तभी रिफ्रेशर कोर्स वगैरह सब मिले और ये प्रमोशनल कोर्स के लिए शायद खड़गपुर में कुछ था मैं नहीं सिलेक्शन आपका सिलेक्शन कैसे हमारा सिलेक्शन तो ऑर्डर में थी हमारे टाइम में ये न्यूट्रिशन सीनियर सीनियर ड्राइवर के लिए ये स्पेशल ड्राइवर ग्रेड सी एंड ड्राइवर ग्रेड स्पेशल ये दोनों सिलेक्शन ये फोर्थ पे कमीशन में हुआ उसके पहले नहीं था सीनियरिटी बेस पे मिल जाता था और ये 1954-5 के बाद शुरू हुआ तब तो बहुत सारे जैसे हम 72 में हम एमडी थे वहाँ पे दिल्ली में तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जो कि ड्राइवर बहुत अच्छे थे मैं कई लोगों के साथ चला हूँ रूट्स में भी और पैसेंजर में बट लिखना पढ़ना नहीं आता तो वो मैटर मैं आपको रनिंग स्टार आफ्टर इंडिपेंडेंस ये दो जैसा आपने बोला कि यूरोपियंस इंडियंस एंग्लो इंडियंस ये सब मिलते थे तो उसमें एंग्लो इंडियंस क्वालिफिकेशन नहीं है मगर फिर भी वो डॉमिनेट कर उनको सब बेनिफिट मिलता था वो ग्रेट्स यूरोपियन ग्रेट्स तक के उनको दिया गया और इंडियंस को पूरा एक स्क्रीनिंग करते और अच्छा अब नीचे से मान लीजिए पे ग्रेड प्रोफाइल है सिलेक्शन प्रोसेस सर्विसेज से तो 1954-55 में जो आए डायरेक्ट सर्विस के लिए फाइव में ए ग्रेड में डायरेक्ट से हाँ डायरेक्ट आया उनका टोटल 7.5 ईयर ये था क्रैश उनका ट्रेनिंग 7.5 वो 7.5 ईयर में शर्ट में भी था उनका ट्रेनिंग और रनिंग में भी आई इंडियन थे कि फायरमैन है ये ए ग्रेड दो फायर और अप्रेंटिस और ए ग्रेड मैकेनिकल भी अप्रेंटिस आप शर्ट के वो डायरेक्ट चार्ज में ना आपको ट्रेनिंग आप देंगे तो वैसे ही रनिंग के लिए भी उन्होंने नहीं था उसके उसी टाइम में रनिंग के लिए मान लो उनको एट अ टाइम देखेंगे तो लिटरेट आदमी तब उन्हें ये स्टार्ट किया और काशी अय्यर तो बुला लेते थे ड्राइवर को क्योंकि ड्राइवर में जाना है हाँ बार महीने डायरेक्ट सेंटर के बजाय वो टाइम टेबल देते थे पढ़वा देते टाइम टेबल बताओ रूटीन क्या है बॉडी का मैक्सिमम रनिंग है बॉडी का ये नाम हो एड्रेस ही नहीं हाँ बस या उसको कल से इसको भेज दो ड्राइवर क्यों बिकॉज मेरे को लगता है समय उस समय ड्राइवर्स का डिमांड अभी ये जैसे आपने तो एंग्लो इंडियंस का टाइम देखा हुआ है तो डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो था मैं क्या ग्रेड में तो क्या है क्या ग्रेड ग्रेड डिफरेंस तो मैं बोलता हूँ ड्राइवर ग्रेड सी इंडियन का एक ग्रेड था कितना मेरे को आइडिया है फर्स्ट पे कमीशन में 130-240 ग्रेड था सी ग्रेड और इंडियन में हाँ और ये एंग्लो यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस उनको 150 और कुछ उनको भी कुछ ज़्यादा दे 150 से स्टार्ट हाँ अच्छा माइलेज पेमेंट इंडियंस को जैसे ट्रिप जाते थे जितना किलोमीटर रन किए किलोमीटर पेमेंट होता था वो यूरोपियंस कुछ थे उनको किलोमीटर पेमेंट नहीं होता उनको आवर्स में पेमेंट अच्छा ओवर टाइम उन लोग को डबल मिलता था उनको एक घाट सेक्शन अलाउंस एक मिलता था सुना ना घाट सेक्शन होता है वो इंडियंस को नहीं मिलता उन्हीं को ये
थर्ड पे कमीशन में फिर सब बराबर है। फर्स्ट पे कमीशन का हुआ था हमको ज्ञान नहीं था, सिक्स्थ पे कमीशन लेवल में था 54 है सर, नहीं 54 के पहले आप हमको मोटा मोटी बता दीजिए क्या आपका किस साल में भर्ती हुए फिर सेकेंड अपॉइंटमेंट का था या फर्स्ट अनुभव फिफ्टी अपॉइंटमेंट तो मालूम है 1950 का एज क्लीनर कैसे आए तो नहीं मैं बड़ा इजी है मेरे गांव से पढ़ के आते थे अपॉइंटमेंट और बच जाते थे। कितना पढ़े लिखे थे आप उस टाइम में? मैट्रिक नहीं किया था लेस देन और कोई भी टेंडर है। अच्छा अंडर एज अपॉइंटमेंट है कितना हमारे सर्विसशिप में अंडर एज राइट डीन से है कोर्ट में गया एक बार ये अभी कोई विश्वास नहीं करेंगे तो उस टाइम में क्या है जो अंडर एज अपॉइंट होता था उनको एक रुपया कम था वो एज आने के बाद वो एक रुपया दे देते कितना कितना था एज उस टाइम में था कितना ऐसी क्या करते थे शेयर में वॉश आउट करना और ये सब चीज़ नहीं बहुत सा काम हम लोग करते थे। देखिए मेडलिन प्लांट था मेडलिन प्लांट था ब्रास बेरिंग्स था उसके मंदार देवी मैं ज़्यादातर सुमराजे टाइप के ही करती थी क्यों वो लोग नहीं करते थे फिट मीटर्स वगैरह करते थे जब तुम जाओ मेडलिन करो एरेंथेटिक टूलिंग को मट्टी के कितना होना ये देखना वो लोग काम करते थे स्क्रीन में देखो और पहले आरओएच का काम देखो उसके बाद आरओएच का आना दिखाना और सीएमडब्ल्यू का काम भी आता है तो मेटलिंग में से मेटल प्लांट और एक वेस्ट सोकिंग प्लांट होते ना और जो देखिए ऑयलिंग एक्शन में होता है देखिए कितना वाटर नॉल्स को जो बनाते थे और पैकिंग ना अच्छा हमको अभी याद आ रहा वो प्लांट ये इतना अच्छा एक तो छोटा सा ये था स्टीम से करते थे और वो होने के बाद जो उसमें से निकलता था ना वो ये ब्रास बेरिंग वाले में पूरा सेट करते थे वही है बेरिंग हाँ 3 महीने 4 महीने में एक बार होता था बेटा फोर व्हीलर का और इंजन का बड़ा एक्शन बॉक्स है और डब्ल्यू जी फर्स्ट इंजन आया जो रोलर डली था टेंडर बट उसका मेन ड्राइविंग व्हील्स ग्रीस आर्ट ग्रीस का आर्ट ग्रीस भी वो सब हम तो देखे हैं ना उसमें बेरिंग आया रैना से इंजन आया डब्ल्यू जी वो आया है रोलर डली उसका अच्छा स्पीड रखता था। 1951 से कब तक क्लीनर में थे? 5 साल करे उसके बाद सेकंड पार्ट उसके बाद सेकंड पार्ट मैंने उसमें जब सेकंड पार्ट में गए मेनली सफाई करना पूरा जो होता है करना इंजन को ऑयलिंग करना और वाटर कलर में पानी भरना पूरा तोड़ना सबसे बड़ा टीडियस है देखिए वो पिट में है नीचे ऐश 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 और ये जो बीसा टाइप के इंजन है जब फायर क्लीन होता था ऐश बॉक्स उसमें गिरता था तो रेक से उसको तानना पड़ता था वो भाग जाते थे इसीलिए ऑफिसर कौन सा क्लास है और बीसा टाइप एच एस इंजन स्मॉल इंजन भी बोलते थे हम लोग मगर एक्चुअली बीसा ब्रिटिश क्या उसका फुल फॉर्म हमको याद नहीं तो वो ऐश पिट में जाके रेक से खींचना पड़ता था वो चक्कर के बीच से घुसते थे सर और आगे पीछे रास्ता नहीं रहता अगर कोचिंग ट्रेन जब जब के सेकंड बार में बने तब तो कोई नहीं कल से जाओ पर बस कल से जाओ और ड्राइवर सिखाएगा वो नो ट्रेनिंग वो सीनियरिटी से दे देते हैं और एज ए सेकेंड पार्ट में अप्रिशिएटिंग कम से कम मैं 3 साल किया फर्स्ट पार्ट
कोचिंग में था। ये ट्रेनिंग कब से शुरू हुआ? ट्रेनिंग में सेकंड फार्मर से ट्रेनिंग शुरू हुआ। सिग्नल विग्नल का ज्ञान जो है वो ये पता आपको नया नया ट्रेनिंग स्कूल ओपन हो गया जिसमें कुछ नहीं अच्छा उसमें कोई नहीं खाली हमारा डीएम तो उनको ऐसे कोई इंस्पेक्टर वगैरह मिलते हैं ऐसा करने से ठीक रहेगा साहब वो हाँ यस करो रिटायर्ड ड्राइवर्स को कुछ सैलरी में अपॉइंट कर लिए वो ड्राइवर लोग कुछ लेक्चर देते हैं बस सेफ वर्की टाइम टेबल देखना ये वो बनाना वो टेबल कैसा है ये सब अच्छा ग्रेडिएंट में अपॉइंट ट्रेन को कैसा ड्राइविंग करना सैंडिंग यूज करना ऐसा ये सब चीज़ जो मोटा मोटी वो लोग जानते भी बता देते हैं बट एक चीज़ बताइए आप बुकिंग क्लर्क को कितना पैसा देते पैसा नहीं कोई वो हफ्ता नहीं दे सकते बुकिंग क्लर्क ना मैंने कोई आर्टिकल ना बट एक तो हार्ड लेबोरियस वर्क आदमी नहीं मिलते थे काम करने हाँ बेहतर दिन की बात ऐसा नहीं है कि दो रुपया देना पड़ता था बुकिंग क्लर्क तब वो सुनिए वो काम अभी मैं आपको बट नॉट फॉर पोस्टिंग एक तो सीनियर पोस्ट ड्राइवर के साथ स्टाफ जाने को घबराते थे वेरी डिसिप्लिन और ये इंडोनेशियन लोग बहुत बदमाश रहते एट्रेंड भागते थे वेंडिंग करना इट इज नॉट है जो हाँ ये छुट्टी लेना है या कुछ और करना है उस टाइम बट बुकिंग के लिए बुकिंग के लिए फोर मैन यूज टू रिक्वेस्ट या तुम जाओ भाई वो कैसा भी हो रिक्वेस्ट करते अच्छे जो स्टाफ थे उनको क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं ये नहीं था हमारे बठिंडा थे पंजाब में स्ट्राइक रनिंग स्टाफ स्ट्राइक के बाद में तो वहाँ पे इशू ये था जब मैं वहाँ गया 15 दिन में शहर में फिगर था तो वहाँ पे लोग कंप्लेन उनका ये था कि वो जो वहाँ पर बुकिंग क्लर्क है उसको आई थिंक 2 रुपीज़ या कुछ 1 रुपी 2 रुपीज़ ऐसा उससे ज़्यादा उनको रेगुलरली देना पड़ता था नहीं तो उनको बुकिंग नहीं देते नया नया था कुछ मालूम नहीं था वो मगर देखिए वो सही है तुम्हारा पता 1972 जी देखिए मैकेनिकल स्पेशल मैकेनिकल होगा मैं जानता हूँ अपना प्रैक्टिकल स्टाफ की इतनी कमी थी लेकिन ये नो लिमिट और ड्यूटी इन लोग बुकिंग करने की जरूरत पे मिन्नत करके बुकिंग करते मैक्सिमम आपका जैसे ये कैनावर रूट वगैरह तो बाद में बहुत कैनावर्स का 71 के बाद आया दिस इज नो ड्यूटी अवर 1971 में फर्स्ट LRS स्ट्राइक हुआ उन लोग ने वो ऑल इंडिया वेज ने ये सब काम करके बहुत बड़ा डिमांड किया था वो जमाना में देश में वो टाइम में सिर्फ साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ 14 आवर ड्यूटी हुआ उसके पहले तो ड्यूटी आवर्स था ही नहीं इंजन से चढ़े हैं आपको जब वहाँ डिस्टिनेशन जाएगा जब वो उतारे पहुँचेगा यहाँ रह के एनिमल वो उनको भी है भैंस को भी दिए इसको बैल को भी वो शाम होने से कम किसान छोड़ देते इनको नहीं होल डे हम काम किए कहीं आप बिलीव कर सकते 30-40 आवर्स ड्यूटी किया था 30-40 आवर्स कंटिन्यू नो पेमेंट नथिंग नो ओटी कुछ नहीं हम लोग देखा हम लोग किया अभी उसी में तो बच जाता था अभी हम ये भी सुना होगा कभी कि जब लोगों को मैं पुराना आदमी लोग मिस्त्री लोग हैं गाँव से आते हैं काम करते उनको बोलते थे कि जाओ यार गाँव से लड़का लोग तो आओ अपॉइंटमेंट काम करने के लिए आती नहीं ऐसा बोल के मनाते थे आदमी वो तो जैसे पीडब्ल्यूआई वगैरह को जमाने में ये जो ई डब्ल्यू आर डिफरेंट रेलवे में डिफरेंट नाम है नॉर्दर्न रेलवे में ई डब्ल्यू आर एसेंशियल वर्कर रिक्वायरमेंट तो एज ए भी मैं भी वो ई डब्ल्यू आर सेंड करता हूँ कि जितना भी चल रहा था उसके बेसिस पर फोरमैन जिसको रखें
या पी डब्ल्यू आई जिसको रखने तब कोई वैसा वो नहीं था. दे वर ऑल दे वुड कंटिन्यू ऑन कैजुअल फॉर ईयर्स. कैजुअल में ही रहते थे और इवन अप टू 70s इंडियन डिपार्टमेंट में जो है कैजुअल उनको देखने वाले तो जब 30 साल के अंदर ड्यूटी हो जाता आप क्या कैसे उसको कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज रूल हार्ड एंड फास्ट रूल था और उसका डिसिप्लिन लाइफ था. और अगर सुन लिया लोगों को मैंने या नहीं भी बहुत बुरी तरह तो कैसे चलाते हड्डी और रेस्ट मंगो तो नहीं देते थे. हाँ अरे कंटिन्यू 15 दिन से हमारा नाइट ट्रिप हो रहा है भाई हमको थोड़ा सा नाइट ट्रिप ब्रेक करो. वो बोलना हम लोग सीखे कब मन आफ्टर ये स्पेशल ड्राइवर होने के बाद हमने बोलना थी. मैं रेडिएशन को बोला बोला साहब कंटिन्यू 3 नाइट्स होता है ये दानी है हम तो एक साइड तो करिए और शुभ मत कराइए वो पी एन एल मीटिंग में वो भी ऑफिशियल ऑफिस में नहीं पी एन एल मीटिंग यूनियन वाले लोग बैठा है बात क्या नहीं सेफ्टी में प्रॉब्लम होती है वो ये कि कितनी देर तक आदमी कंसंट्रेट कर सकता है. यस क्योंकि पहले आप बात कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे कुछ कंसंट्रेशन नहीं है. हम लोग तो दो चार घंटा तो जैसे आप 7-8 घंटा तक ऑब्जेक्टिव किए हैं राइट फ्रॉम डेली टू जलंधर. तो हमारे को हालत बहुत ख़राब हो गई थी जलंधर पहुँचे तो हमने कहा बट आप लोग जैसे जो सेकेंड फायर में फर्स्ट फायर में खासकर जो फर्स्ट फायर में करा देते कितनी देर में वो लोग मैं एज ए ड्राइवर 18 आवर्स 18 टन्स रहता है डब्ल्यू जी लोग बोला फ्रॉम बिलासपुर टू डोर 133 किलोमीटर उसमें 1800 पूरा बोला और ड्यूटी आवर्स 15 या 16 घंटा हुआ. देखिए 18 टन्स कोयला तो अब उसका कंसंट्रेशन तो नहीं करेगा. 1821 टन्स लोड किए और नाइट ट्रिप पूरा इन बिटवीन सेक्शन में वॉटरिंग होते रहते थे और ऐसा बहुत से चीज है सर. आपका आपका इम्पोर्टेंस वाले तो बहुत बड़ा अभी यह है कि लिखना चाहते हैं ये है कि बेसिकली जो ड्राइवर लोग का अनुसर जो पर्टिकुलरली डॉक्टर ग्रुप्स में होता है जब लिंक में आ जाते हैं तब लाइफ जो है सुधर जाती है. जब तक ग्रुप्स में होते हैं तब तक तो नहीं कुछ आपको अभी तो रूल बन गया कि भाई 2 आवर कॉल चाहिए 4 आवर कॉल चाहिए आपको कुछ भी नहीं था. पेमेंट होता है देखिए बीच ऑफ लिस्ट पेमेंट होता है अंडर लिस्ट पेमेंट होता है बट काम तो करा सुबह 20 घंटा तो आप कोई नहीं करता. नहीं करा करने वाले कर रहा है गार्ड लोग ब्रेक टू ब्रेक काम करते हैं. गार्ड लोग को क्या है गार्ड लोग पैसेंजर गार्ड को क्या है उसको बैठना है. रूट गार्ड में थोड़ा झटका लगता है पैसेंजर गार्ड में कोई 24 घंटा भी काम नहीं क्या है. नहीं तो एरो भी कर रहे हैं 15-20 घंटा मान लीजिए 15 घंटा तो कर रहा है. 20 घंटा क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए उसने डिमांड किया भाई हमने लॉन्ग ऑफ हो गया हमने दिया तो उनको और हमको रिलीफ तो रिलीफ लाया नहीं सकता कहाँ से लाएगा. अभी तो आजकल वो उस टाइम में उसका ड्यूटी और रिफ्यूज भी कर सकता जब हम ए एन ई के ड्राइवर अगर रिफ्यूज करें तो दूसरे दिन ए एन ई के पास उसकी पेशी हो जाती है पहले बुक ऑफ हो जाता लेकिन भूखा हुआ और उस दिन का उसको माइलेज नहीं मिलता उसको हेडक्वार्टर अलाउंस मिलता है. नो माइलेज नो माइलेज अगर ये भी लीग सर्टिफाई न करे तो नो माइलेज पर जाके तो
अभी तो काफ़ी पुलिस रिएक्शन होकर बहुत सुधर गया, पहले बहुत गंदा काम है रात का समय, तो घर में आदमी नहीं है बोलने से डंडा घर पर मारना पत्थर मारना और ये सब करते थे, तो बेचारे बोलते थे आज के दिन तो कम से कम मर जाओ रात को सुबह भी चले आना, मगर क्या मजबूरी है। आज यही है कि गवर्नमेंट साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब कुछ पैसा बांट के मुंह बंद करती है, एक टू वो एक टू स्काई लैब बिना स्काई लैब हाँ स्काई लैब एक टू हुआ था यूके पूरा वाला फुल नाइट मुसान का याद है कौन सा है ये 89-88 का, तो नहीं नहीं उससे पहले का है, तो उस टाइम में पहले से एडवांस हो गया ना, पहले से इन्फॉर्म किए कि कहीं तुम बाहर मत जाओ उसको देखो मार के, तो हम लोग प्रिवेंटिव इंजीनियर गुड्स में चल रहे थे तो सामने ग्लूकोन ग्लास में पेपर को पेश किया, शाम को जो निकल रहा था वो लोग उसमें किए, और एक साल के बाद गवर्नमेंट वो डेट में जो काम किए उनको एक्स्ट्रा फंड जैसा अभी देते हैं ना नेशनल वॉर डे ऐसा, बट अभी तो जैसे वो जमाने में जब जो स्किल्स का विषय में अगर क्योंकि जो मैंने देखा सहार यंग लड़के थे क्लीनर्स है बहुत लोग तो रिफ्यूज करते थे कि रनिंग स्टार्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन रनिंग स्टार्ट में इसलिए आते थे तो पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता था, तो आपके टाइम में कितना ज़्यादा मिलता था अगर आप रनिंग में जाएँ और दूसरा स्टेशनरी में जाए कितना ये आपका छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, पैसे के फर्क से नहीं जाते थे, एक एज ए ड्राइवर जब सर्विस करते थे हमारा जैसे कुछ चैनल ओपन भी हो गया बाहर जाने का, मैंने स्टेशनरी जॉब में सेट फोन में टी एल सी पावर कंट्रोल मैंने सर, तो वो रिफ्यूज करके हम लोग एज ए बस ड्राइवर ही काम करते थे, तो उसका मेन रीज़न ये था अपना ड्यूटी के बाद अपने कोई पूछने वाला नहीं था इंडिपेंडेंट, और स्टेशनरी पोस्ट एंड अदर सुपरवाइजिंग पोस्ट बहुत ये है बड़ा इंडिपेंडेंट पोस्ट है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप रनिंग में जाएं तो आपको फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब है, लेकिन पैसा जो आपके जमाने में कितना था? खास फर्क नहीं था, बहुत कम था, ये फोर्थ पे कमीशन के बाद बढ़ा है, मैं रिटायर हुआ 1642 कुल मिला के कितना मिलता था स्पेशल जॉब रनिंग अकाउंट तुम तो जानती है ना मैं वो बात बता उसके से 2-3 हज़ार रुपये कोचिंग दो एक्स्ट्रा नौ एक्स्ट्रा हम लोग को बहुत ये बोले स्टेशन पोस्ट में आओ ये सिलेक्शन में आओ आप लोग को मिल जाएगा, वो काफी इनको पता है स्पेशल में हमारा बड़ा टॉप में रहता है बड़ा ऑफिशियल इसमें सब, तो हमारे सर के 2-3 और थे सबको बहुत नडिशन भी होता है तुम्हारा ए डब्ल्यू में भी लेगा जहाँ देगा, बोला नहीं सर ओके अब थोड़ा सा पीरियड है काट लेंगे, क्यों एक तो रिटायरमेंट में और दूसरा इंडिपेंडेंट हो जैसे मौसम करके जा रहा है वो जब जा रहे थे उसके बाद ड्राइवर जॉब एवरी इंडिपेंडेंट जॉब जो मैंने कंफर्ट फील करते हैं जो अपने ड्यूटीज ठीक कर लेते हैं
उनके लिए तो यही है बड़ा इंडिपेंडेंट जॉब, लेकिन फिजिकली जैसे टफर जॉब है वो तो है। देखिए कुछ तो रहेगा बट मान लीजिए 8 आवर्स ड्यूटी है विश्लेषण डालने के लिए, 8 आवर्स के बाद खत्म हो, हम अपना ड्यूटी कर दिए बस खत्म। मगर अभी रात को 2 बजे यहाँ सोने जा रहा है, DME को फोन आया, वो आई है, ये आई है, वो ड्राइवर बैठ गया, वो ड्राइवर फेल हुआ, उसका अकाउंट में फेल हुआ, इसको 10 रुपए पावर कंट्रोलर, पावर कंट्रोलर वो हमारे यहाँ JDI वगैरह SLI वगैरह थे, वो 10 बात सुनते थे ADL से चाहते थे पूरी बात। कोई आपका कभी एक्सीडेंट हुआ आपकी भूल से? नहीं नहीं कोई नहीं। एक तो आपके अगर बस मेरा 51 ईयर्स हो चुका है ड्राइविंग सर्विस एक्सपीरियंस पूरा 20 ईयर्स मान के चलिए 35 ईयर्स उसमें एक बार नहीं दो बार डेरेलमेंट हुआ, एक हमारा हुआ हमारा गलती से क्या पॉइंट 2 वे हो गया पॉइंट, उसमें 6 मंथ्स इंक्रीमेंट स्टॉप किया, और एक बार सेक्शन मिड सेक्शन में डेवलपमेंट हुआ मगर उसके लिए क्या करेंगे कुछ वो हमारे ऊपर नहीं। बट हमारा ये बताइए आपको उस जमाने में ड्राइविंग किए जबकि स्पीडोमीटर तो लगने शुरू हो गए थे बट स्पीडोमीटर जैसे हम जब ANG थे तो स्कीम लोगों में कोई स्पीडोमीटर नहीं है और ड्राइवर को ऐसे डिलक्स चलानी है तो वो टाइम का पावर होता उसमें मेकअप 10-15 मिनट का था ज़्यादा, बट उनका इतना सेंस हो गया था कि वो जैसे हम लोगों को सिखाया गया कि भाई आप टेलीग्राफ पोस्ट काउंट करके स्पीड कैलकुलेट करें तो हम लोग कंटिन्यूसली कोल ही गिनते रहते हैं, लेकिन वो ड्राइवर लोग जो थे अपना थ्रॉटल पे है और दे वर डेड एट 90, अगर आप काउंट कर लीजिए तो वो 90 पे रहता था। तो ये जैसे ये काबिलियत जो है ये स्किल जो है ये कितनी देर में आता है कि जो आप एक वो फिजिकल सेंस डेवलप होता है कि कितना स्पीड जो अनुभव होता है ये फिर मैंने ये आप कितना तजुर्बा सत्तर बार देखिए अभी डायरेक्ट असिस्टेंट ड्राइवर में अपॉइंट हो गया कोई तो नीचे से नहीं आ रहा अब क्लीनर तो है तो वो उसको कम से कम ड्राइवर होते तक के ऐसा बहुत सा चीज एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो ड्राइवर में मान लीजिए स्पीडोमीटर नहीं काम कर तो स्पीडोमीटर है 3 स्पीडोमीटर है आपको नहीं अभी मैकेनिकल है मैकेनिकल है हाँ अभी मान लीजिए स्पीडोमीटर काम नहीं कर तो हम तो नहीं कर सकते ना हमारा टाइमिंग हमारा स्पीड का बट कैलकुलेशन शुरू किए तब स्पीडोमीटर ठीक है स्पीड का MPH हमारे मतलब मीटर लगे थे स्टीम इंजन पे WP इंजन पे था कोचिंग में जो चलते थे उसमें कोई वीडियो टाइप को मीटर था MPH एक चीज़ इन्होंने बोल रहे थे जैसा ट्रैक का जो कंडीशन होता ना एक तो स्पीड इम्पोज होता है टेम्प्ररी और परमानेंट बट इनको मालूम चल ही जाता है कि एक ट्रैक कहाँ तक सस्टेन कर पाएगा जैसा उस कभी कभी वर्ल्ड स्पीड में भी जाते हैं तो दे कुड गेस इस ट्रैक का इतना तक ले पाता तो समटाइम्स दे डू ओवर स्पीड ऑल्सो ऐसा भी है बॉम्बे हाँ तो ट्रैक का देखिए पूरा रहता है ट्रैक का सेंस जो है ना ड्राइवर पूरा रहता है अभी पानी बोलिए ना हाँ मैं फायरमैन था कुआ में पी पक्षी करके एक एंग्लोडियन था वो का नागपुर डिवीजन जस्ट भंडारा के पास इतना पानी था तो वो रोक दिया स्टेशन मास्टर खुद रोका उसके बाद वो ट्रेन निकालने के लिए स्टेशन पूरा रिपोर्ट दिया कंट्रोल पे तो कंट्रोल बोलता वो ड्राइवर को बोलो DB से बात करें तो ये बात अप टू DOS और DVN तक चला गया क्या बात यार्ड में पानी बच्चे गवा 1 फुट पानी ट्रैक को करें
तो ऑफसाइड भी रोक दिया ये सर, और स्टेशन इंस्ट्रक्शन में इतना पानी है, ये पूरा रिपोर्ट दे दिया स्टेशन मास्टर, और ये रिपोर्ट चला गया कंट्रोल ऑफिस से डी एन डी एम डी एन ऑल कंसर्न सब दिया। तो बोले ड्राइवर को बोलो बुला के वो बात करेगा किसी से फलाना साहब से। तो वो बोलता हमको क्या जरूरत है, एंग्लो में तुम तो बड़ा देरी थी, बोला हमको क्या जरूरत है, तुम जाओ तुम बात करो बोलो। ड्राइवर बोलता हमको क्या जरूरत है। तो डी ओ एस पर्सनल उसको बोला, डी ओ एस बोला पक्षी को, और डी ओ एस बोला कोई मत बात करो उससे, हम बात करते। आज वो बात किया, अब वो क्या बात किया तो मेरे को उतना ठीक से याद नहीं है, बट पोलाइट बात करते हैं। आप डिसीजन लीजिए, आप जा सकता है तो आप प्लीज देखिए प्लीज देखिए। वो आया थोड़ा दूर तक के देखा स्टेशन एरिया से, उसके बाद कॉशियसली ट्रेन पे गया। तो ऐसा ड्राइवर का एक्सपीरियंस है अपना, आजकल भी होता है ड्राइवर, हाँ ड्राइवर का एक्सपीरियंस है। अभी देखिए कोचिंग में उस वक्त मैं जो अगर बता बोलने से उसका नॉट लेस देन 35 ईयर सर्विस, तो 35 ईयर सर्विस में बहुत कुछ वो जाना है। डी एन ई आके देने से सर्टिफिकेट नहीं जरूरत हो, अभी हम लोग मैन्युफैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो एक गैंगमैन लगा खड़े हो जाते, तो कभी कभी लोग बोलते रहे देखिए आप ये करिए, अगर आप दुकान में निकालने का लायक है तो निकाल लो, क्यों बोले से पी डब्ल्यू बहुत दूर में है, वो कब आएगा क्या है कोचिंग में खड़ा है वो तो अभी भी होगा। तो वो डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं कुछ ऑफिशियल ऐसा है यूज करना चाहते हैं, और एक एक इंडिविजुअल का ऊपर उनका ट्रस्ट लेवल भी होता है। वो फलाना ड्राइवर है फलाना मास्टर है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे वो पावर कंट्रोलर जैसे मैंने हाँ तो वो हर ड्राइवर को नाम से जानते नाम से जानते, तो कुछ पावर कंट्रोलर से जिनका की रेस्पेक्ट है तो कुछ सीख अगर जो हमारे यहाँ केवल क्वेश्चन करके सी पी आर से चीफ पावर कंट्रोलर केवल का ये था कि वो हर ड्राइवर को जानते हैं। एंड आई हैड अराउंड 70 ऑड मीडियम तो वहाँ पे मैं मेबी 20-30 ड्राइवर्स को साल भर में जाने लगा था जिनके साथ ट्रैवल। अगर बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी ड्राइवर के साथ ट्रैवल करें तो आपको जाना वो नाम याद रहता है, नहीं तो कुछ या किसी का चार्जशीट वगैरह है हाँ। तो वो नाम याद हो जा सकता। तो जो पावर कंट्रोलर्स थे वो देवर इवन टूडे आई नो दैट टूडे a good TLC or power controller or even a engineering controller will know all his PWIs, a good signaling controller will know all his SIs. If you want to talk about it, so when personal involvement comes out, then respect is not going to be able to do it. No, no, but sir, when I saw it in the middle, there was no one can do it. हमारे पीरियड में थोड़ा सा की है, आजकल क्या है सब रूल्स ज़्यादा है, आपको काम करना पड़ेगा यूनाइटेड हम नटेशन के टाइम में एक बार 59 डगोरा पंजाब का फेल हो गया न्यूट्रल सेक्शन में बियॉन्ड माई लिमिट ट्रबल शूटिंग जो है सर्टिंग लिमिट है ना ट्रबल शूटिंग, तो उसमें कुछ काम हम लोग करना है कुछ काम नहीं करना है। तो एक टुकड़े था जिसको हमको टैबलेट नहीं करना, हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन बिटवीन सेक्शन में रात को मैं ट्रबल अभी बात भी करने जाऊँगा टाइम लगे माई ओन रिस्क मैं उसको वेस्ट कर दिया और सेक्शन क्लियर कर और उसके बाद और खड़ा कर और पी एल सी को मैं क्लियर मैं रिपोर्ट दे दिया। पीएलसी वो नहीं बोल सकता है उसी कंडीशन में लाओ तो क्यों रोड पर भारी ट्रांसफॉर्मर पूरे चल जाए तो प्रोटेक्शन उसका। तो बी जैन
मिलेंगे, उनसे कांटेक्ट किया, बोले कुछ मत बोलो, ड्राइवर से बोलो गाड़ी लेके आए, जो होता है तो डोंट वरी तुम लेके आए, बोले देखो भाई हम बियॉन्ड लिमिट नहीं जाएगा। मैंने डी जी साहब बोला ऑर्डर नंबर बोला, क्यों आप फॉल्स ऑर्डर नंबर भी देते हो, मगर सीनियर डी जी मिले उनका ऑर्डर नंबर तो वो दिए क्यों नहीं गया। बोले आप जो भी समझ लो मेरा भी दो महीना और आप जीरो कर दो या मेरे को आप कर दे, हमको मालूम है आपको कुछ मालूम ये नहीं, आपको ये रिकॉर्ड से एक्शन लेने का कोई टाइम नहीं है, तब तक हम रिटायर और आपके हाथ में भी नहीं या आपका कुछ जैसे डॉक्टर है, हर कोई डॉक्टर एक समान होता है, फिजिशियन कोई डॉक्टर आपके डॉक्टर बोलते हैं आपको कोई दवाई देगा और कोई गड़बड़ा जाएगा कुछ नहीं करता है नॉर्मल, तो ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट जो है ये जरूरी नहीं है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपना काम जानता है, लेकिन आजकल तरीके हैं साइकोलॉजिस्ट में जैसे कि मेडिसिन में है या किसी भी चीज़ में है, क्योंकि आप एक आदमी की काबिलियत को पढ़ सकते हैं, उसके एटीट्यूड क्या है, उसके काम में उसका लगन है कि नहीं, उसका बेंट ऑफ माइंड किस तरह का है, सब कौन सा काम बेटर कर सकता है, तो ऐसे टेस्ट इंटेलिजेंस कितना है उसका, तो सही हाथों में ये टेस्ट को बहुत अच्छा, लेकिन गलत हाथों में मैंने ये साइको टेस्ट लाइफ से करी डी आर एम का मैं तो मैंने सिकंदराबाद में पहली बार देखा कि साइको टेस्ट में क्या है, आई वॉज डिस्गस्टेड विद द वे ही वाज बीइंग डन, एक तो उनके पास एक ही पेपर था वही सारा रिपीट होता था, तो जो स्मार्ट ड्राइवर थे उनको जाने से पहले ही पता था कि वाला क्वेश्चन भी ये लिखा, तो ऐसे ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी का टाइप है, मैंने जिसको मैंने और आजकल जैसे कंप्यूटर का टेस्ट होता वगैरह कुछ लोग ऑब्जेक्टिव टाइप कभी देखे ही नहीं थे, उनको आप सामने एक ऑब्जेक्टिव टाइप दे दीजिए तो पूरा वैसे ही मोस्ट रनिंग स्टाफ बोल देखी सेवन लिमिटेड स्कीम में बहुत सारे लोग थे जो कि डिजिटल में क्वालिफिकेशन में पास नहीं करते थे, क्योंकि वो लिख पढ़ नहीं सकते, उनको सर्किट दिखा रहे थे वो सर्किट क्या समझे, उनको तो इतना ही पढ़ना ही नहीं आता, तो वो एंड में कुछ डिविजन थे जहाँ पे कि मेल एक्सप्रेस सारा डिजिटल से हो गया, तो वो बेचारे स्कीम में बहुत अच्छे ड्राइवर थे लेकिन लिखाई पढ़ाई की वजह से लेकिन नॉट वो टू मेल एक्सप्रेस, क्योंकि मेल एक्सप्रेस स्कीम में था ही बनारस डिवीजन में ए डी आर था वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि मेल एक्सप्रेस के लिए आपके पास ड्राइवर नहीं है, तो आप जो है गुड ड्राइवर को मेल एक्सप्रेस दे रहे हैं तो गुड, और जो पैसेंजर ड्राइवर है वो बेचारा स्कीम में ही लगा हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस स्कीम वगैरह, तो साइको एनालिसिस में यही प्रॉब्लम है। एक और नई स्कीम जो आई है वो सिमुलेटर की है, आप मुझे अभी अभी क्लियर अबाउट आई हैव इंस्पेक्टेड द सिमुलेटर व्हेन आई वाज इन बर्लिन, जो सिमुलेटर आया था मैंने इंस्पेक्शन किया था, तो मैं एमएल के साथ वहाँ पर कंपनी में गया था, वहाँ पर उनका बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, एक तो है कि टेक्नोलॉजी मशीन है, लेकिन उस मशीन को कैसे यूज करना है यू नीड समबडी हू अंडरस्टैंड, उन लोगों के साथ बात करके मेरे को बड़ा ही चीज बड़ा क्लियर हो गया। आपको सिमुलेटर जब कोई ड्राइवर पहली बार काम कर रहा है उसको सिमुलेटर सिखाइए, दैट मीन्स ड्राइवर ग्रेड सी में सिमुलेटर की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसने कभी इंडक्शन लेवल में उसको उसने कभी हैंडल देखा है ड्राइवर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, एटलीस्ट उसको उसने ड्राइवर को ऑपरेट करते देखा है लेकिन प्रैक्टिस किया नहीं, तो उसको आप सिमुलेटर बनाए, लेकिन इंडियन रेलवे आई डोंट नो टुडे आई हैड दिस डिस्कशन विद देम एंड देन बट फॉर कंफ्यूजन आई सेड डू नॉट यूज इट फॉर अदरमेंट्स, यूज इट फॉर गुड स्टैंडर्ड्स। इंडियन रेलवे में उस टाइम ये था कि राजधानी ड्राइवर को
उसने किया है, इज ऑलरेडी 55 ईयर्स है, 50 के ऊपर ही है। 50 के ऊपर आप नए स्किल्स नहीं ले सकते। जो स्किल्स आपके पास है, जो फिजिकल कैपेबिलिटी है, वो आप कंटिन्यू कर सकते। कोई नई चीज़ आप एडॉप्ट नहीं कर सकते, उसके फिजिकल कंडीशन, अगर उसकी रिस्पॉन्स टाइम स्लो है, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। वेस्टर्न कंट्रीज में जब कोई ड्राइवर आता है, वो क्या असिस्टेंट तो है नहीं, उनके पास कोई ALPL असिस्टेंट ड्राइवर नहीं होता। लोगों में एक आदमी है अकेला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप असिस्टेंट लगाओ, उसको 10 साल असिस्टेंट कराओ, फिर वो सीख जाएगा। वो लोग क्या करते हैं कि नए लड़के लेते हैं, उनको पहले एक दो महीना पढ़ाते हैं, उसके बाद सिमुलेटर पर ट्रेन करते हैं, उसके बाद जाके ड्राइवर करते हैं। ये जो ग्राम वगैरह के ड्राइवर होते हैं, मैंने उनकी ट्रेनिंग दे दी है। एक नए लड़के को लेते हैं, 1.5 महीना उसको ट्रेनिंग देते हैं, 1.5 महीने के बाद वो टेस्ट के बाद, सिमुलेटर के बाद में वो ट्रैम चलाने लगता है। और ट्रैम में ये है कि इतना ज़्यादा लोड नहीं है, स्पीड भी हाई नहीं है, लेकिन जितना भी उसको स्किल चाहिए वो सब उसको 1.5 महीने में वो सिमुलेटर में होता। तो मुद्दा ये है कि इशू इज दिस, दैट जस्ट गेटिंग द सिमुलेटर डज नॉट मीन दैट यू नीड द टेक्निकल स्किल्स। अब हु आर द पीपल हु विल डिसाइड कि सिमुलेटर का यूज कैसे होगा, इज अ साइकोलॉजिस्ट, नॉट एन असिस्टेंट इंजीनियर और DNE और CNE वगैरह, जो वहाँ पे सिस्टम डिजाइन करते हैं, जो एक्सरसाइज डिजाइन करते हैं, दे आर साइकोलॉजिस्ट। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट नहीं आया है कि ठीक है सीनियर DNE को लगा दिया कि भाई आप सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करो। तो वी आर नॉट यूज दी सिमुलेटर दी, बट डू आई हैव एक्सपीरियंस, सॉरी आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, बट दिस इज व्हाट आई सॉ इन योर। एक चीज सर, अभी इस साइटो में है, आप 41-45 की बात है, आप देख रहे हो उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा एडमिनिस्ट्रेशन उसको ड्राइवर से मुझे पता नहीं अभी क्या साइको एनालिसिस का क्या रूल क्या है। साइको जब रिक्रूटमेंट होता है उस टाइम होता है, हाँ वो तो होता है, उसके बाद शायद गुड्स के टाइम होता है क्या नहीं। और तो दोबारा साइको सेफ्टी कैंप वगैरह, आई डोंट सेफ्टी कैंप इज देयर, बट साइको आई थिंक वन इज देयर नॉट द आप जैसे इसमें ड्राइवर का भी होने लगा था, आई डोंट नो द रूल। RDS जो है ना, बट आई डोंट थिंक वो उस लेवल में फील हो रही है, आई एम नॉट सीन सर। पर एक चीज है, एक चीज सर, मैं एक चीज पूछूं रिगार्डिंग दिस फैटिक, ड्राइवर का जो फैटिक एक होता है ना, एक सम आवर्स ड्यूटी करने का बाद और वो इंक्रीजिंग रेस्ट इनको नहीं मिल पाएगा, जो फैटिक फैक्टर होता है, फैटिक फैक्टर जो, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, ये मिनिमम इतना घंटा रेस्ट होने का बाद है वो ड्यूटी में आ जाएंगे तो उसको फैटिक इंजेक्ट जो होता है वो अच्छा होता है, उसको इंक्रीजिंग रेस्ट नहीं मिल पाएगा। और कंटिन्यूस ड्यूटी जैसा आपने बताया है कॉन्सेंट्रेट करना इट्स वीक है, तो दो में अभी कंटिन्यूस इनको इतना आवर्स परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो मैं यही पूछना चाहता था, एक टाइम में वो 30 आवर्स देखे एडमिनिस्ट्रेट ड्यूटी करते थे, हाँ मे भी उस टाइम में ट्रेन इतना फास्ट नहीं था और इतना टाइम तक चलता नहीं था, एक साथ देयर वॉज मे बी लॉट मेनी ऑफ स्टॉपेज ऑल्सो, बट इज ऑल्सो द इशू ऑफ, जैसे मैं CTC सेक्शन था वहाँ पर बीटेक एरिया है, वहाँ पे बिटवीन छपरा एंड गोरखपुर, तो एज ATR हमारे यूशू फुटेड ऑटोमेटिक सेक्शन में जैसे आपकी प्रॉब्लम है, तो हर एक किलोमीटर के बाद सिग्नल, इट्स लाइक ड्राइविंग ट्रैफिक, नाउ ड्राइवर गेट्स नो रेस्ट, इट्स लाइक ड्राइविंग इन ए वेरी बिजी रोड, कार अगर आप हाईवे पे हो तो आपने अपना लेन पकड़ लिया, 60-70-80-90 पे आप जा रहे हैं, आपको कुछ पास करना नहीं है, आप बैठे हुए हैं उसी के सब ठीक चल रहा है, बट आपको कंटिन्यूसली एक्सेलेरेटर क्लच ये सब दबाना नहीं है। बट जब हर एक
किलोमीटर के बाद सिग्नल आता है तो ड्राइवर को कंसंट्रेट करना है और एक्ट करना है, देयर इज नो मेंटल और फिजिकल रेस्ट. इवन क्रॉसिंग इन द सुपर इंटेंसिव इट्स नॉट कंटिन्यूअस, इट्स इंटेंसिव. वो एक मिनट भी नजर नहीं हटा सकता और सिग्नल रिपीट करो वो करो ब्रेक लगाओ ब्रेक चलाओ. तो इसका क्या बेसिक है? आई डोंट नो व्हाट इज दी व्हाट शुड बी द आई हैव दैट व्हाई आई से कि एक अच्छा जो रिसर्चर हो वी शुड यूज सच पीपल टू डिटरमिन दीज थिंग्स. मेकिंग ए मैकेनिकल ऑफिसर और एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर डिटरमिन दीज थिंग्स एक गट फीलिंग है हमको, बट कोई मॉडर्न हमारे पास स्किल नहीं है. एक अच्छा गेमी वगैरह या सीनियर जो है सीनियर उसको गट फीलिंग है कि ये ठीक है, बट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट. आजकल एक्सपर्टिंग है, आप स्टडी कर सकते हो तो डिजाइन क्या होगा. क्यों ना ये हमने तो दुरंतों में एक ड्राइवर को नॉमिनेट कर दिया, अभी वो तो कंटिन्यूस चल ही रहा. देन मैं ड्राइविंग को कभी किया नहीं, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि सफर टू ड्राइव अ गुड ट्रेन देन टू ड्राइव ए एक्सप्रेस ट्रेन. नाउ गुड ट्रेन 80 पे जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन 100-110 पे जा रही है. पैसेंजर ट्रेन में आपका ब्रेकिंग इज ऑलवेज इंश्योर कि ब्रेक पावर आपका 100% होगा या 99.5% होगा. गुड्स ट्रेन में आपका यू नॉट एश्योर कि ब्रेक पावर कितना है. वैक्यूम में खासकर वैक्यूम में तो कुछ भी परसेंटेज हो सकता है. एयर ब्रेक में थोड़ा सा 80-90% तो होता ही है. आपके पास पीछे लोड है 600-800 टन पैसेंजर ट्रेन में, गुड्स ट्रेन में आपके पास 3000 टन है. कपलिंग स्लैक है उसमें. सिग्नल आपको हमेशा एक्सप्रेस ट्रेन में आपको कॉन्फिडेंस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थ्रू सिग्नल मिलेगा. गुड्स ट्रेन में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि अगला क्या रहेगा. अगला मेरी नज़र में तो एज ए नॉन ड्राइवर व्हाट फैटिक इट इज मच टफर टू व्हाट विथ गुड्स ट्रेन इन यूरोप. The grade and skill for a goods train driver is the same as for a passenger. हम लोगों में क्या है कि हमने प्रमोशन के साथ स्किल को जोड़ दिया है. हमने प्रमोशन किसी गुड्स ड्राइवर इज ए टफर जॉब, आवर्स आर वेरी अनसर्टेन. पैसेंजर ड्राइवर इज ए वेरी लिंक में है, उसके आवर्स जो हैं थोड़ा आराम हो जाता है. His family life is better, he has to work lesser hours. उसका अगर आप टोटल ड्यूटी आवर्स देख लीजिए पैसेंजर में 108 से बहुत कम होते हैं, 70-80 से ज़्यादा लिंक में बढ़ते नहीं हैं. 50-60 राजधानी ड्राइवर्स हैं, दे वर्क 60-70 आवर्स, उससे ज़्यादा आप कभी बना ही नहीं सकते. बट हम लोग का ये है कि जैसे आदमी सीनियर होता जाता है उसको तरक्की देनी है, तो यही है कि जितना सीनियर है उतना ज़्यादा उसको तनख्वाह देनी है, उसको ज़्यादा आराम देना. बट और जो असिस्टेंट से जब वो गुड्स में जाता है पहली गुड्स को जाता है दैट इज द टफेस्ट पीरियड इन अकॉर्डिंग टू मी इन ड्राइवर्स स्किल लाइफ. दैट इज द टाइम ही नीड्स माइंड मैक्सिमम गाइडेंस, मैक्सिमम सिमुलेटर, मैक्सिमम अटेंशन टू द एयरलाइन. जब वो पैसेंजर ट्रेन चलाने लगा तब उसके मालूम की कुछ है नहीं, नथिंग मैं वो पीरियड भी एक तो मैं असिस्टेंट ड्राइवर पीरियड है ये अपने सिमुलेटर का ये सब हो ड्राइवर का सिमुलेटर रहना है 90% काम उसी ड्राइविंग स्किल की बात ड्राइवर डबल शूटिंग की बात नहीं ड्राइविंग. अभी मैं लोग इंडियन रेलवेज का छोड़ देता हूँ, रोड में ट्रक्स आजकल बड़े बड़े रोड में ट्रक्स होते हैं, रोड में रात रात
लगा देते हैं। हम लोग के जमाने में तो है तो वो ऑलरेडी सीख लेते हैं, तो ग्रेड हमारे एक्सटेंड हो गया है उसके बाद वो हम तो वो ग्रेड में मोर देन 90% अच्छा लगता है एक्टिव होता है, तो मोर देन 90% सीख अभी बुक थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। और उसमें क्या है आजकल कुछ कमी आ गई है, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा हो गया है और स्कूल के अंदर एक्शन हो रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे चला रहा है, मगर रूल में जो है हमारी जो मिड सेक्शन में जो है तो कुछ असिस्टेंट ड्राइवर तो क्लियर कर रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा जनरल रूल में है जिनमें कोच होते हैं मगर सब हो सकता है। तो सेफ्टी इज नॉट ऑनली कि ड्राइवर के पीछे को, हाँ सेफ्टी इज ऑल्सो कि वहाँ की मेरे बहुत थोड़ा सा चीज इन्वॉल्व होता है वहाँ क्या क्या आप बता रहे हैं अभी ये पीसी करता है ड्राइवर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन कोचिंग ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन में खड़ा हुआ एक मिस कर खड़ा हुआ पैसेंजर पीछे गार्ड गार्ड लोडिंग अनलोडिंग सिग्नल ले दे रहे हैं कार्ड सिग्नल ले दे रहे हैं अब वो सिग्नल दे दिया और ये करता ऐसा गार्ड सिग्नल देखा वो ग्रीन और गार्ड स्टार्ट गार्ड को लेफ्ट में छोड़ दिया तो ये कई बार होता है गाड़ी ये देखिए वो क्या वो टेंशन मेंटल टेंशन कभी कभी होता है ऐसे छुने ज़्यादातर तो पॉलिसी वगैरह के हैं या उसके टेक्निकल हैं लेकिन हाँ एडवांस स्टार्टर को देखिए उसको नहीं कर सकते वो एक बार ठंडे में ऑपरेट होता है तो उसको मालिक वो करता है मगर वो जब तक वो नहीं करेगा जब तक ऑपरेट नहीं होगा। सर मैंने एक किताब से ये पढ़ पढ़ के एक आर्टिकल बनाया है कि जो जॉर्ज स्टीवर्सन थे वो पहला स्टीम इंजन स्टीम लोकोमोटिव नॉट स्टीम इंजन बनाए थे इज लाइफ हिस्ट्री इज फैसिनेटिंग ही वाज 19 इयर्स ओल्ड ही कुड नॉट रीड एनी तो वो जैसे आप वो एक्चुअली उस जमाने में जो माइंस में पानी निकालने के लिए लोगों को इंजन स्टीम इंजन ओके वो उस इंजन पे एक क्लीनर की तरह एम्प्लॉय हो उधर से उसने अपने को खुद सिखाया पढ़ा लिखा था नहीं कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकता था लेकिन ऐसा ऐसा उसके मतलब थोड़ा गट फीलिंग से He was able to design the entire and जो कहानी सबको मालूम है कि एक कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें चार जिसमें तो सबने सुनी थी बट टिल आई रेड दिस बुक आई वाज नॉट अवेयर कि ये लड़का नॉर्मली यू थिंक कि भाई डिप्लोमा डिग्री कुछ किया होगा उसके बाद में हो सकता है बट द ग्रेट थिंग इन दिस मैन इज ही वाज इन्वेंस वहीं से तो हुआ सब जीरो से तो होता है इसमें अदर थिंग आई लर्न इज दिस स्पेशली ये रोड नई रेलवे लाइन बननी थी तो उसमें एक रिक्वायर्ड पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए थी तो जो कंपनी वाले थे दे हैड प्रिपेयर्ड ऑल द प्लान एंड ऑल एंड देन पार्लियामेंट में सुनवाई हुई जो सिलेक्ट कमेटी है या जो भी कमेटी है उसमें जॉर्ज person went to present the case and he was told कि ये क्या जानता है उस जमाने में एक था कि there were two ways of running a train पहले जब ट्रेन चलाते थे तो उसमें घोड़े लगाते थे it was steel on steel सिलर से the other idea was कि आप ये लाइन में इंजन लगा लो उसमें लंबी सी एक रोप लगा रोप को वैगन के साथ बांधो और उसको बीच की तरफ खींच लो जब ये यहाँ पे आ जाएगा दूसरा रोप लगा लो तो वो अच्छा
So it was winching. State by state winching. Winching. The concept ki aage ek roko rahega, piche train rahegi, was not accepted. So including in the parliament, this point was ki tum roko kyun lagana. The genius of this man was he was insisting ki aapka future mein roko hi lagega. And he was actually he converted the steam engine into जो आपका अभी है ना कि जो स्टीम इंजन में जो एग्जॉस्ट निकलता है वो पेटीकोट में जाता है स्मोक बॉक्स में उससे उसका एग्जॉस्ट हो जाता है पहले इस मामले में ठीक है ना नहीं इसका तो हमने तो जो चाइल्डहुड में से इसका इन्फ्लुएंस नहीं था चावल उसकी माँ बना did not know that he is going to get killed. बहुत बातें
तो वो ये सब देख के और जर्मन ने क्या किया है कि उन चीज़ों को प्रिजर्व किया और उसको तो डॉक्यूमेंट किया, वहाँ पे सब चीज़ कोई छिपाई नहीं है। अच्छा, अभी भी उसको पूरा यू कैन डू एंड इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, बट टूरिस्ट स्पॉट यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया और टू ढाका म्यूजियम पे और कोई पूरा जो कंसंट्रेशन कैंप है इट इज़ लाइक थ्री फोर फुटबॉल फील्ड्स। जो हॉस्पिट्स है उसमें एक रेलवे साइडिंग भी था, एक्चुअली इट वॉज मेड देयर बिकॉज कम बाई ट्रेन, फिर उनके बैरक्स थे घास वास उठा के उनको बैरक्स में रहना होता था और सुबह सुबह उनकी रोल कॉल होती थी और तब पता लगता था कि आज कितने मरे हैं। एंड जर्मन का वेरी मेटिकुलस रिकॉर्ड की थी, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे पूरा रिकॉर्ड है उनका कि इस कैंप में कितने लोग आए, कौन कब मरा, हो सम ऑफ द रजिस्टर्स ऑन डिस्प्ले, मेटिकुलस टू मेंटेन रिकॉर्ड्स आल्सो। एंड व्हाट दीस पीपल आर आल्सो डूइंग, दे हैव टू सपोर्ट द वॉर एफर्ट, सो दे नीड इट फैक्ट्स और ये सोप बनानी है, ऑयलिंग करना है, ग्रीजिंग करना है, इफ यू क्वेश्चन नॉर्मली एनिमल प्रैक्टिस, बट द डिमांड वाज सो मच दैट दे वर यूजिंग द फैट फ्रॉम दीज डेड बॉडीज टू मेक सोप। ढकाओ में देयर इज ए डॉक्टर्स चैम्बर जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ह्यूमन बॉडीज वर यूज फॉर सोप फॉर मेकिंग सोप और फॉर एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कोई इंजेक्शन दे दिया वो मरेगा कि नहीं मरेगा, तो दे हैव दिस जैसे चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं गिनी पिग्स। सो ह्यूमन बॉडीज वर एक्चुअली यूज एंड दे प्रिजर्व दोस प्लेसेस रिकॉर्ड्स, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट। वो हिस्ट्री पढ़ने से दिमाग खराब हो, बट गोइंग टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस अभी जो है वो एंड नो अदर कंट्री अगर इंडिया में कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम उसको डिनाय एंड डिस्ट्रॉय, ये था ही नहीं कभी बाबरी मस्जिद कभी थी ही नहीं, हाँ डिनाय कि ऐसा कुछ था वहाँ पर कभी, बट जर्मन था भी डेट वे ओवरकम था। But how is the attitude right now, the Germans is... अब तो इशू नहीं है, अभी इशू नहीं है, अभी there is a very small group of Nazis who still have this there is a small group, very small group, इन चीज़ में वो कुछ अपना ड्रामा करते रहते हैं, but जितने कंसंट्रेशन कैंप्स हैं वो मोस्टली देयर टू डे रियली आज भी तो है। कोई काम नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है कि उसको बदल दे, कहीं पे अगर कोई सड़ी हुई है तो सड़ी हुई रखती है और ढकाओं में देयर यूज टू बी लार्ज होल्स हैं बैरक्स में, वो सारी तो उसमें ख़त्म हो गई, बट एक दो बैरक्स हैं अभी भी जो प्रिजर्व, उसमें वैसे ही घास बिछाते कैसे लोग रहते थे और पूरा जो है उसमें कोई कहीं पे एक पेंट नहीं किया, तो इट इज अ वेरी जैसे आप एंटर करते हो ना द एब्सेंस ऑफ कलर हिट्स यू, फिर मूड ऐसा ही बनता है कि वो एक छोटी सी चर्च बनाई है वो खाली स्टोन की बनाई है और उसमें भी कोई राम नहीं, कोई कुछ क्रॉस है, सिंपल सा क्रॉस है एंड द एटमॉस्फेयर इज वेरी सेरीन, कोई म्यूजिक नहीं, नो म्यूजिक नो नथिंग, कोई यूरोपियन कोई कोई शोर नहीं होता कुछ नहीं होता, इट्स अ वेरी जैसे ग्रेवयार्ड में रहते हैं ना ऐसा टाइप का फीलिंग है और हर जगह उन्होंने फैक्ट्स या तो कुछ कई जगह टेप चल रहा है क्योंकि ये तो उन्होंने लिसन टेप रिकॉर्डिंग्स एंड अदर थिंग्स जो ऑरिजिनल रजिस्टर्स हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स
That's why we are not so, we tend to deny this. As our, हमारे देश में कोई नहीं होता. ये दुनिया में कहीं नहीं उतना वही तो हुआ और वो ये आखिरी है. अब आगे इतनी क्लीन जो है अमेरिका ने इतना उन्होंने जब यूरोप से ये वाइट पीपल गए उन्होंने पहला काम किया लाखों जो वहाँ पर नेटिव पॉपुलेशन थी उनको मार दिया. ठीक है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया वही किया वही किया वही किया. इन इंडिया दे कुड नॉट डू इट परहैप्स इट वाज टू हॉट और व्हाटएवर द रीजन देयर वाज नॉट एक्सट्रीम टीम थिंग इन इंडिया और इवन इन साउथ अफ्रीका. अफ्रीका में कोई एक्सट्रीम टीम थिंग नहीं हुआ बट अमेरिका में दे डिड एंड फॉर मेनी इयर्स दे वांट टू डू एनीथिंग. बट बेसिकली द यूरोपियंस जो अमेरिकन में वो लोग जो राज किए हैं तो they have been monitoring who the local population है. मेरा टाइम लोकल तो वही है सब काले हैं. अमेरिका में लोकल वो रेड इंडियन रेड इंडियन वो तो लाखों में मार दिए जल्दी ब्लैक्स केम एज स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका. लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं उनका कंट्री में जो है ना उनका एक यूरोपियन लोगों को उनका अलग बिजनेस टाइप का है. इट इज नॉट लाइक द यूरोपियन मोस्टली यूरोपियन भाई उसको जो रहते रहते जो हो गया है बट वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स है difference between the American culture and European culture? Today. American में ये है कि वो traditions नहीं है. Traditions नहीं. वो मतलब history नहीं है. Their history starts say 500 years ago. उसके पुरानी history वो भी Red Indian history, local tribes की. वो तो मानते नहीं हैं. मानते या वो मालूम भी नहीं है. तो कुछ एडवांटेज भी है कुछ डिसएडवांटेज. एडवांटेज ये है कि जो ये हिस्टोरिकल लोड हो जाते हैं उनके यहाँ वो हिस्टोरिकल लोड है. जैसे हमारे यहाँ बड़ा हिस्टोरिकल लोड सिर्फ कास्टिज है. दे डोंट हैव कास्टिज एवरीबडी इज इक्वल एक्सेप्ट द ब्लैक. तो ब्लैक्स हैव कम आफ्टर दे रीच देयर हियर. तो दैट इज देयर हिस्टोरिकल लोड. अवर हिस्टोरिकल रोड इज कास्टिज्म जिसमें हम कहते हैं मनु ने बोला वो. हाँ उनके यहाँ कोई मनु है नहीं. यूरोप में वो सब प्रॉब्लम है जैसे एंटी ज्यूज हैं या कैथलिक्स हैं प्रोटेस्टेंट्स हैं या मोनार्की है वो सब उनका हिस्टोरिकल लेगेसी है. अमेरिका में वो हिस्टोरिकल वो अभी तक उसका प्रोटेस्टेंट और कैथलिक वाला कुछ नहीं. वो अभी लड़ाई नहीं हो रही है बट लोड तो है वो पुराना लोड है अभी भी. और एक चीज़ जो बिकॉज अमेरिका इज बिल्ट ओनली बाय इमिग्रेंट्स तो इमिग्रेंट इज ऑलवेज ए वेरी ए पर्सन ऑलवेज फुल ऑफ इनिशिएटिव. फुल ऑफ इनिशिएटिव जो भी इमिग्रेट करेगा उसमें रिस्क लेने की काबिलियत ज़्यादा. अच्छा जो भी बंगाल से बॉम्बे जाएगा थोड़ा ज़्यादा उसमें या तो ज़रूरत है या उसमें इनिशिएटिव है ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली इंडिया छोड़ के अमेरिका जाएगा उसमें ज़्यादा इनिशिएटिव है. दैट एनवायरमेंट डिमांड्स उस रेस्पेक्ट में उसके पास इनिशिएटिव ज़्यादा है. अमेरिका इज बिल्ट ओनली बाय इमिग्रेंट्स सो इट्स अ हैज बीन अ नेशन फुल ऑफ पीपल ऑफ इनिशिएटिव. सो इट इज नॉट बट यूरोप में आप जाइए तो यू फाइंड कि भाई ये बिल्डिंग 500 साल पुराना है ये 700 साल पुराना गेट साउंड ये राजा था ये चर्च 1100 में बनी है. वो अमेरिका में कुछ नहीं है. वो एडवांटेज भी नहीं है और वो कई बार वो डिसएडवांटेज हो जाता है. हमारे देश में कास्ट एंड दिस
attitude is as an American and European. अमेरिका में कहते हैं कि पैसे की कीमत ज़्यादा है, यूरोप में पेडिग्री आपका फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल अवेलेबल मोर है, अमेरिका में जस्ट मनी टोटली मेटेरियलिस्टिक, बट अमेरिका में आजकल जो है रिलीजन का ज़्यादा दबाव है, पीपल सीम टू रेस्पॉन्ड टू रिलीजन मोर, यूरोप में रिलीजन इज स्टॉप बीइंग It's not important to me. America is still Europe is still caring about it. Caring. In churches, in schools, in old churches are being converted or no hand. Immigration ki wajah se thoda race problem but religion is not problem. America is very important, I think in particular in conservatives. That is why between Muslims and America there is a problem. Between Muslims and Europe, the problem is Muslims. In Europe the problem is immigration, not Muslims. But the tussle is more between America because they are also part of them are very fundamentalists. But it is because of this, yeah. Obama, Laden or before that? ये है ये लड़का वहाँ पे जीवन में तो जो लोग मेरे को क्या ऐसा कोई थिंकिंग था प्रिजर्वेशन पर थिंकिंग